मैं पुरैना से आता हूँ और हम आते हैं नाव से, हमें डर लगता है। तो कहाँ पढ़ने जाते हो, कहाँ मतलब किस अम्बेडकर रस्ते? इंटरनेशनल स्कूल में, मटियारा जगदीश लाल देवरिया, हम वहाँ पढ़ने जाते हैं और हम नाव से आते हैं, हमें डर लगता है। क्या मतलब इस पे कोई और व्यवस्था नहीं आने जाने के लिए यहाँ पे? और क्या व्यवस्था नहीं है, चाहते हैं यहाँ पे? हम यहाँ जाते हैं कि यहाँ पूल बन जाए एक। कितने दिनों से आते हैं मतलब? हम तो 1 साल से पढ़ रहे हैं अभी। बस सालों साल यहाँ नाव से आना पड़ता है यहाँ पे। हाँ पुराना से आती हूँ और नाव से आती हूँ। नाव से आती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। बारिश के दिनों में और डर लगता है कि कभी बारिश हो तो हम पढ़ने कैसे जाए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है तो हमें पढ़ के ही कुछ बनना पड़ेगा। दुनिया में नाम कमाना है तो पढ़ना ज़रूर है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस नदी के पास एक पुल बन जाए, स्कूल आने जाने के लिए कितने अच्छा हो जाएगा। बच्चे आते हैं रोज तुम्हें सैकड़ों से अधिक आ जाते हैं। यहाँ पे? हाँ डर लगता है कि नहीं? बहुत डर लगता है। आज छोटे छोटे भी बच्चे आते हैं। तो इसमें घर के लोग मना नहीं करते जाने के घर लिए? के लोग कैसे मना करेंगे? अगर बच्चों को पढ़ाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बच्चे बिहार से काफ़ी गांव से उधर बहुत दूरी से, 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी से बच्चे आ रहे हैं। जो यहाँ पीपा के पुल न होने के कारण से जो 2 किलोमीटर दूरी का तय करना होगा बच्चे को, वो 15-20 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं। उसके अलावा भी सैकड़ों बच्चे रोज़ नाए से आ रहे हैं जिनकी रोज़ जान की खतरा है और इससे बहुत भय बना रहता है। आपने इसकी मतलब कभी किसी से शिकायत किया क्या इसके लिए? जी, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 13 तारीख को गए और उनको लेटर दिए। वो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाए, लेकिन उनके कार्यालय में हमने लेटर रिसीव किया कराया और स्कूल के डायरेक्टर साहब भी मेरे साथ थे और हम लोग वहाँ पत्र दिए और देखिए उस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा द्वारा क्या किया जा रहा है। वहाँ पे बच्चे नाव से पढ़ने आते जाते हैं, इसमें पानी भरा हुआ, क्या कहना है इसके बारे में? आज सर्वप्रथम तो हमने उनके वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान और लोगों से अपील की है कि बच्चे ऐसा न करें और जो एक ऑल्टरनेट रास्ता है उससे आए, क्योंकि समय इससे बचता है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घट सकती है। और संबंधित SDM को मैंने कहा है कि तत्काल वो जाके देखे क्या व्यवस्था की जा सकती है और जैसे ही पानी कम होगा आगे के समय के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ अगर पुल का निर्माण हो सकता है, मैंने उसका संज्ञान लेके और शासन को भी हम लोग संदर्भित करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले साल जो है इस तरह की समस्या न हो। थैंक यू।